JEE Main 2027 जनवरी शिफ्ट टू का एक क्वेश्चन है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग एल्कोक्साइड्स। एल्कोक्साइड्स क्या क्या हैं देख लेते हैं। एल्कोक्साइड्स हैं O- और NO2, ये A है। दूसरा है, दूसरा है O- और यहाँ डबल बॉन्ड है और ये NO2। तो आप देखें इसमें तो इसका माइनस आई काम कर रहा है, इसमें भी NO2 का माइनस आई है, साथ में इसको रेजोनेंस स्टेबिलिटी है, ठीक है ना, प्लस इसको रेजो स्टेबिलिटी है। और एक और ऑप्शन है इसमें, इसमें यहां पर NO2 लगा हुआ है ऐसे, ठीक है ना। तो आप देखें इसमें, इसमें एक तो रेजोनेंस है और दूसरा ये माइनस एम भी कर रहा है, क्यों, इसमें ये दिस इज नेम्ड एज सी, इसमें NO2 का माइनस एम ऑफ NO2 ये काम कर रहा है और रेजो स्टेबिलिटी तो इसमें है ही सही, ठीक है ना। और माइनस एम की स्टेबिलिटी अगर किसी कार्बन आयन को मिले तो उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, यानी कि इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल होगा सी, उसके बाद होगा बी क्योंकि इसमें रेजोनेंस है, और उसके बाद होगा ए क्योंकि इसमें किसी तरीके की स्टेबिलिटी नहीं सिवाय NO2 के माइनस आई के। आपको पता है ना कि माइनस एम तभी काम करता है जब कॉन्जुगेशन मेंटेन्ड हो, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। तो अगर आप स्टेबिलिटी ऑर्डर देखें, स्टेबिलिटी ऑर्डर देखें तो सबसे ज़्यादा स्टेबल है सी, फिर बी, फिर ए। तो इसके हिसाब से हमारे क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए वन। नोट करें।